दोस्तों, मैं प्रयागराज के पावन धरती से दिनेश मौर्य आप लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में। तो दोस्तों इस टाइम प्रेजेंट टाइम में मैं आप लोग हमारे पीछे देख सकते हैं, ये स्पाइन रोड का चौक है। यहां से चलेंगे दोस्तों हम लोग मौसी कैसे जाते हैं आप लोग पूरा दिखाऊँगा। तो दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों आइए चलिए चलते हैं हम लोग मौसी और आप लोग देखिए। और दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि हम हर वीडियो में किसी न किसी का जो जो कमेंट करता है उसका नाम लेते ही हैं। तो पिछले वीडियो में जो ने कमेंट किया था उनका नाम है राजेश पाटिल, वो महाराष्ट्र से हैं दोस्तों। अनु मिश्रा करके हैं, वो उत्तर प्रदेश से हैं दोस्तों। तो आइए चलिए चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, तो आइए आपको दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये स्पाइन रोड का चौक है, यहाँ से चलेंगे हम लोग मौसी। मौसी कैसे जाते हैं आप लोग मैं बताना चाहूँगा। इस साइड से आएंगे हम लोग तो ऐसे जाएंगे, इस साइड से ये सामने वाला रास्ता गया है, इस साइड से हम लोग इस साइड से जाएंगे। और ये हमारी धन्नो खड़ी है, ये देख लीजिए आप लोग। यहाँ से स्टार्ट किया हूँ दोस्तों, आप लोग सपोर्ट प्यार रहा तो आप लोग कहाँ तक पहुँचाएंगे वो आप लोगों की बदौलत होगा दोस्तों। तो आइए चलिए चलते हैं हम लोग, ये वाला रास्ता सामने पकड़ के चलेंगे हम लोग। तो दोस्तों हम लोग चलेंगे यहाँ से, ये इस साइड जाना है हम लोगों, सामने सीधा जाएंगे हम लोग। तो चलेंगे हम लोग सीधा आगे, अब ये हाइट है, धीरे धीरे डाउन होगी। उस साइड टाटा की कंपनी है आप लोग देख सकते हैं, और आगे पड़ेगा जादववाड़ी, वहाँ का भी वीडियो बनाएंगे दोस्तों जादववाड़ी कैसा है यहाँ से। तो चलिए हम लोग चलेंगे सीधा, ये देखिए यहाँ पे सामने से धूप आते हुए, और अपने भाई को पूरा कष्ट देते हुए, धूप तो कष्ट देता है दोस्तों, अभी इस टाइम गर्मी चल रहा है तो क्या करेंगे हम लोग। अपने हौसले को तो हम हौसले की को पीछे नहीं कर सकते, हम हमारा मकसद जो है मैं उसको उस पर अड़ा रहूँगा, वो करता ही रहूँगा। कहते हैं ना जो चीज़ आपको पीछे ढकेले उसको आप ढकेलते रहो तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। तो इसलिए हम धूप को नहीं, धूप को चीरते हुए आगे निकलेंगे। चलिए देखते हैं ये बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, हाँ आगे चल के देखेंगे। शिवाजी नगर जाएंगे आगे से, मौसी भी जाएंगे, वो लिखा तो है मौसी, वो देखिए बोर्ड में आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये देखिए बोर्ड में मौसी भी लिखा हुआ है। तो आगे जाके हम लेफ्ट लेंगे मौसी जाने के लिए। तो दोस्तों हम लोग सीधा चलेंगे मौसी का एरिया दिखाते हैं आप लोगों को। क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट किया था भाई मौसी का वीडियो बनाइए, मौसी का वीडियो बनाइए, तो हम बोले ठीक है चल के देखते हैं क्या है मौसी में, ऐसा क्या है मौसी में जो लोगों ने इतना कमेंट किया। ये आगे बोर्ड लगा हुआ है, चाकन भी जाएंगे, मौसी भी जाएंगे, आलंदी भी जाएंगे लेफ्ट साइड में, सीधा जाएंगे पुणे नासिक मार्ग पहुंच जाएंगे, नासिक फाटा पहुंच जाएंगे, जो कि पिछली वीडियो आप लोग देख चुके होंगे नासिक फाटा का। तो हम लोग चलेंगे मौसी, अभी सिग्नल ग्रीन है हम लोग निकल चलेंगे। ये देखिए बोर्ड में हम लोग देख लीजिए सिग्नल ग्रीन है इसलिए मैं चल रहा हूँ। अभी लेंगे हम लोग लेफ्ट मौसी जाने के लिए। सही दोस्तों हमने लेफ्ट ले लिया है, सीधा चलेंगे अभी देखते हैं। अभी डेवलपमेंट चल रहा है मौसी में, ये देखिए घड़ा वड़ा यूज कीजिए, सुराही वराही आप लोग, गर्मी का मौसम आ गया है, हमारी कम से कम भाई लोगों को कुछ इनकम हो जाए और प्रॉफिट रहता है दोस्तों इससे पानी पीने से। ये देखिए इधर डेवलपमेंट चल रहा है, जैसा कि हम यहाँ पे रास्ता नहीं जान पा रहे थे, भूल गया था मैं, तो ये
दादाजी हैं, भाई साहब, भैया हैदराबाद से हैं, तो इनसे मिला, इन्होंने बताया कि इस साइड से जाइए, तो आएंगे दादा आपके भी, हैदराबाद आऊँगा, मिलेंगे फिर। हाँ, ये एक हमारे नए मेहमान भी हो गए, सब्सक्राइबर भी हो गए, तो ठीक है चलते हैं, फिर मिलेंगे कभी। ओके, चलेंगे राइट साइड से दोस्तों, इस साइड से चलेंगे, देखते हैं हम, यहाँ पे फुटबॉल्स वगैरह हो रहा है, ग्राउंड है, प्लेग्राउंड। इधर डेवलपमेंट चल रहा है, ये देखिए, अभी हम लोग जाएंगे सीधा, देखते हैं। सीएनजी पंप है दोस्तों, हम जाएंगे सीधा, जाएंगे पूछता हूँ मैं किसी से, नहीं फिर मैं देखता हूँ गूगल मैप पे क्या है कैसा है, चलते हैं ऐसा सीधा ही। नहीं, ये आएगा अंकुश बोल्ट चौक, इधर है, और हम जाएंगे सीधा, देखते हैं वो बैठे हैं दादा, उनसे पूछते हैं। इधर डेवलपमेंट चल रहा है पूरा, आपको मिलेगा 1.5 किलोमीटर पड़ेगा, हम सीधा चलेंगे। सीधा जाके यहाँ का डेवलपमेंट आप देख सकते हैं, मैं वहाँ चलूँगा सीधा, तो वहाँ का भी डेवलपमेंट वगैरह क्या हुआ है ये सब कुछ दिखाऊँगा। घूमने में ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों हमको, हमारा ये ड्रीम है कि मैं पूरा भारत घूमूँ, क्योंकि मेरे भाइयों ने कमेंट किया कि भाई आप पूरा भारत घूमिए, तो उन्हीं का ड्रीम पूरा करने के लिए, क्योंकि दिखाऊँगा अभी, हम घूमेंगे तो हमारे भाई घर पर बैठ के आप देख सकते हैं, क्योंकि सभी लोग नहीं घूम सकते हैं, हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोग केवल देख सकते हैं। अब सीधा जाएंगे 1.5 किलोमीटर में, सुन वो भाई ने बताया कि 1.5 किलोमीटर आगे पड़ेगा आपको, मौसी पड़ेगा। इधर देखिए कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, इस साइड पूरा भी खाली है, यहाँ भी कंस्ट्रक्शन ही चलेगा ये, क्योंकि बाउंड्री वगैरह हो रहा है इस साइड, देखिए आप लोग। ये गन्ने की खेती इधर होती है गांव तरफ, तो उधर से गन्ना लेके आते हैं, यहाँ पे लोगों को सर्व करते हैं, मतलब बेचते हैं। इस साइड देखिए, इधर भी डेवलपमेंट चल रहा है दोस्तों। अगर आप लोग महाराष्ट्र में आते हैं तो यहाँ पे वड़ा पाव वगैरह खाने को बहुत सारा मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बट फेमस यही है यहाँ पर वड़ा पाव वगैरह है, तो अब आप आ सकते, आके यहाँ पर आते हैं तो आप लोग खा सकते हैं, यहाँ पर टेस्ट ले सकते हैं। इधर देखिए डेवलपमेंट वगैरह चल रहा है, बहुत सारी बिल्डिंगें बन रही हैं, इधर पूरा डेवलपमेंट चल रहा है, अभी कुछ उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, प्रोसेसिंग पे है, वर्क इन प्रोसेसिंग। ये देखिए इस साइड राजमाता जीजाबाई चौक है, ये राजमाता जीजाऊ चौक, सीधा चलेंगे हम लोग। अभी सामने से धूप आ रहा होगा इसलिए आपको वीडियो हमें तो नहीं लग रहा क्लियर आ रहा होगा, देखते हैं अभी फिर भी क्या होता है, कैसा होता है, आप लोगों को देखिए, हम भी देखेंगे पहले इसको, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद दोस्तों इसको तो काट छाट जिसको बोलते हैं एडिटिंग, वो भी तो करना पड़ेगा ना। तो दोस्तों हम लोग आगे जाएंगे, आगे से थोड़ा सा और हाईवे पड़ेगा, उसके बाद लेफ्ट, आपको दिखाते हैं, यहाँ पे स्टेडियम वगैरह भी बन रहा है लगता है, क्या है कि देखने को मिलेगा, हम वीडियो तो ज़रूर बनाएंगे। अब आए हैं यहाँ तो पूरा महाराष्ट्र घूम के ही छोड़ेंगे हम, ऑल महाराष्ट्र 36 जिले हैं दोस्तों, जिसके वो जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट इंग्लिश में, 36 डिस्ट्रिक्ट है, तो पूरा डिस्ट्रिक्ट में घूम जाऊंगा। इधर बहुत सारे ट्रेलर्स वगैरह खड़े हैं,
दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। ये क्या है भाई, ये भी स्टेडियम वगैरह बन रहा है, कोई TIFCC ये लिखा हुआ है सामने। तो हम जाएंगे यहाँ से सीधा, इधर भी डेवलपमेंट चल रहा है, यहाँ हर जगह डेवलपमेंट चल रहा है, बिल्डिंग वगैरह बहुत सारी बन रही है दोस्तों। तो इस साइड जाएंगे तो आगे सब्जी मंडी वगैरह है, आप लोग देख सकते हैं इस साइड में। तो हम जाएंगे सीधा, तो आगे भाई पहाड़ वहाड़ बहुत तगड़ा है, क्या है ये देखते हैं। पूरा सब्जी मंडी का ही पार्ट है, बाउंड्री बाउंड्री अंदर में सब्जी मंडी है, ये आप लोग देख लीजिए। यहाँ से थोड़ा सा ढलान है, ढलान पे चलेंगे हम लोग, आगे हाईवे पड़ेगा, हाईवे से लेफ्ट लेंगे तो मौसी आ जाएगा अपना, ये सामने हाईवे आ गया। देखिए क्लीनिंग यहाँ पे चल रहा है, ये देखिए रोड की सफाई चल रही है, हाईवे आ गया, इस साइड से आ रहा है, इस साइड जाएगा, आराम से चलेंगे हम लोग क्योंकि यहाँ टर्निंग पॉइंट है। ये आ गए हम लोग, तो यहाँ कर्मचारी लोग लगे हुए हैं अपना सफाई के लिए, नहीं चल रहा है उन लोगों का, रोड देखिए एकदम चकाचक। तो हम लोग सीधा जाएंगे, आगे ही पड़ेगा, ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ डेवलपमेंट, अभी खेती वगैरह भी है यहाँ पे क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट चल ही रहा है, यहाँ डेवलपमेंट चल रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग गन्ने की खेती वगैरह है। ये आप लोग देखिए दोस्तों यहाँ पे बिल्डिंगों का काम चल रहा है, अभी यहाँ पे मैप वैप बना हुआ है। ये पहाड़ से पानी आ रहा है क्या भाई, किधर से आ रहा है ऊपर से? अच्छा मतलब ये रास्ता पहाड़ी काट के बनाया गया है दोस्तों। दोस्तों हम लोग सीधा जाएंगे मौसी जाने के लिए, देखते हैं कितना दूरी पड़ता है, ये वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, क्योंकि आप लोग वीडियो को पूरा देखें, हम पूरा महाराष्ट्र घुमा रहे हैं आप लोगों को, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो भी मैं नहीं करता। आगे गांव है, वहाँ मराठी में लिखा हुआ है पूरे गांव आहे, मतलब आगे गांव है। दोस्तों आप लोग देखिए पूरा लाइव वीडियो चल रहा है, क्योंकि मैं कोई सॉन्ग वगैरह नहीं, जो भी होता है मैं सच्चाई दिखाता हूँ, मैं कुछ डब्ड वगैरह कुछ नहीं करता, मैं डायरेक्टली सच्चाई दिखाता हूँ। बस केवल ऐसा ही आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखिए बस। ये देखिए मैंगो वगैरह अल्फांजो मिल रहा है, रोड दोस्तों चकाचक है एकदम मस्त एकदम। आगे चलेंगे देखते हैं कितना दूर पड़ता है मौसी और। आई होप लगता है हम आ गए हैं, देखते हैं पूछता हूँ मैं। हाँ ये आ गया, ये फायर मौसी अग्निशामक केंद्र है, यही है दोस्तों ये एरिया, यहाँ से मौसी वगैरह लगाने लगता है दोस्तों। ये चौक है, ये देखिए ग्रीन लाइट जल रही है, हम लोग चल रहे हैं, ये मौसी का एरिया पूरा डेस्टिनेशन लगाता है। आगे तक हम चलेंगे,
कि यहाँ पे गांव टाइप का अभी मतलब डेवलपमेंट चल रहा है, बिल्डिंगें बन रही है। ये देखिए इस साइड देखिए पूरा बिल्डिंग वगैरह बन रहा है। एक चौक और आ गया, यहाँ पे रुकना पड़ेगा, लाल बत्ती चल रही है। लेफ्ट जाएंगे तो देहू गांव जाएंगे। दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं वो सामने भारत माता चौक मौसी लिखा हुआ है, ये देख लिया होगा आपने। ये एक बार और जूम करते हैं, हाँ अभी ये पूरा दिखाएंगे हम आपको। जैसा कि हमने स्पाइन रोड से चल के आपको दिखाया पूरा रास्ता वगैरह सब कुछ, और मैं इस टाइम प्रेजेंट टाइम में देख सकते हैं हमारे पीछे लिखा हुआ है मौसी। ये पीछे बोर्ड में देखिए आप लोग मौसी लिखा हुआ है, मैं इस टाइम मौसी के चौक पे ही खड़ा हूँ, देखिए आप लोग। और दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, और आप लोग दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि हम अपने पिछले वीडियो में जिन जिन लोगों ने कमेंट किया था उनका इस वीडियो में नाम लेना चाहूँगा। राजेश जी हैं, राजेश पाटिल महाराष्ट्र से हैं, धीरज गुप्ता जी हैं वो भी प्रॉपर कमेंट मारते हैं, दिलीप कुशवाहा जी हैं वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से हैं, और मुकेश मौर्य जी हैं वो कानपुर से हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों मिलेंगे किसी नए और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।